नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राउंडिंग नंबर्स के बारे में कि नंबर्स को किस तरह से राउंड किया जाएगा एक्सेल के अंदर में। जी हाँ, तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, सीरीज है 101 रेडी टू यूज फार्मूला, जिसकी बुक्स के बारे में मैंने लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस किया था, उसी का एक नॉर्मल एग्जांपल है। और इससे आप पहले की एग्जांपल जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, या फिर चैनल पे iptindia को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 101 में 101 में हम नॉर्मल एग्जांपल की बात कर रहे हैं राउंडिंग नंबर्स। जैसे कि कुछ नंबर्स डेसिमल्स में है, आपको उसको राउंड करना है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ नंबर्स जो है हमें बहुत सारे डेसिमल्स नंबर्स में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हमें राउंड करना है। तो बेसिकली अगर राउंड करना है तो हम लोग यहाँ से राउंड का जो है वो ले लेते हैं, यहाँ से राउंड कर देते हैं, या फिर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ नंबर में डेसिमल प्लेसेस दो या कम जो है, एक या दो हम ले लेते हैं तो राउंड हो जाता है। लेकिन जब आप फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, जस्ट उसकी विजिबिलिटी चेंज होता है, ओरिजिनल आपका वही है जो पहले से था। तो इससे क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशंस में और बहुत सारे फॉर्मूले में इफेक्ट पड़ जाता है। सो मैं एक्चुअली में नंबर को राउंड करना चाहता हूँ, डेसिमल को राउंड करना चाहता हूँ। तो राउंड के तीन फॉर्मूले हैं, राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप। सबसे पहले हम राउंड के बारे में जानते हैं। राउंड क्या करता है, नियरेस्ट को राउंड करता है। जी हाँ, नियरेस्ट, जैसे हमने बोला कि हमें दो डिजिट तक का राउंड करना है, तो 36 में देखिए 37 कर देगा आपको, 25.37 कर देगा, नहीं 36 है, नहीं 6 ही हुआ क्योंकि इसके हमने दो डिजिट लिया था ना, 3 था। अगर मैं इसको 3 को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा 37 हो जाएगा, क्योंकि ये नियरेस्ट जो नज़दीक में नंबर होगा वो दिखाएगा, मतलब कि 2.5 तक वो 2 दिखाएगा और 2.6 होते हुए 3 दिखा देता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। राउंड डाउन ये जो फॉर्मूला है, इसको कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका नंबर राउंड दो डिजिट में एक्चुअली में हो। तो राउंड का फॉर्मूला, अब मान लीजिए मुझे डेसिमल साफ रिमूव ही करना है, तो उसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है इंट। इंट से आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, इंट ब्रैकेट ओपन किया और इसको सिलेक्ट किया और एंटर, इंट से रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप राउंड का फॉर्मूले लें, राउंड के फॉर्मूले में आप यहां कॉमा 0 कर दें तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। अगला फॉर्मूला होता है राउंड डाउन। राउंड डाउन अगर मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा 0 कर दिया तो ये आपको 45 दिख रहा है, क्योंकि 40 राउंड में अगर आप देखें 46 दिख रहा है, क्योंकि राउंड डाउन हमेशा नीचे की वैल्यू लेता है। और अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास राउंड अप का। राउंड अप क्या करता है, हमेशा ऊपर का फॉर्मूला ऊपर की वैल्यू लेता है, 0 कर दिया तो 46 आ गया। अब 0 की जगह पे आपने डेसिमल प्लेसेस डाल दिए, 2 डाल दिया, देखिए आपका 6 हो गया। अब मैं 5 की जगह पे अगर मान लीजिए 1 कर देता हूँ, फिर भी ये आपका 6 ही दिखेगा, 62 दिखेगा, सॉरी मैं यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 2 की जगह पे 7 कर दूं, फिर आप देखेंगे 6 ही दिखेगा। तो राउंड क्या करता है, नियरेस्ट वैल्यू राउंड करता है। राउंड अप क्या, राउंड डाउन क्या करता है, लोअर वैल्यू को डाउन करता है। और राउंड अप क्या करता है, अपर वैल्यू को करता है। अगर हम लाला जी की भाषा बोले तो इंटरनल ट्रांसफर हो तो राउंड का यूज करें, किसी को पैसा देना हो तो राउंड अप राउंड डाउन कर लें, और किसी से लेना हो तो राउंड अप कर लें। ये तो डेसिमल्स की राउंड की बात हो गई, हम बात करते हैं नंबर को राउंड करने का। जैसे मान लीजिए कि मेरा 45,430 है, हमें इसको राउंड करना है कि 45,000 में आए, 1000 में आना चाहिए, 1000 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग का।
सेलिंग सेलिंग का, सेलिंग या सेलिंग मैथ दोनों एक ही है, इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला कि 1000। अब देखिए 40000 आ गया क्योंकि अपर में देता है, और एक होता है हमारे पास फ्लोर या फ्लोर मैथ, ये डाउन में करता है 1000, ये आपका 45000 हो गया। तो यहां पे अगर मैं कोई अमाउंट लिखूं तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा फ्लोर और मैथ का था। तो अभी जो आप देख रहे थे वो दे रहे थे राउंड ऑफ नंबर, नंबर राउंड करने का सिस्टम के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि राउंड के लिए कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम इसी तरह के 5 से 10 वीडियोज अपलोड करते हैं जो कि बेस्ट होती है एक्सेल और MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन की। उसके अलावा आप चाहो तो हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जूम के थ्रू ले सकते हैं, या फिर हमारा रिकॉर्डेड पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी भी किसी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ये हमारा स्काइप आईडी है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। और किसी भी तरह के कोर्स डिटेल्स के लिए मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे चले जाएं। थैंक यू।